पहुंच गए हैं चुरू के लोहिया महाविद्यालय में। यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार वोट करेंगी, और लड़कियां जो किन मुद्दों पर इस बार चुनाव में वोट करेंगी ये समझने के लिए, यहाँ के जो इश्यूज हैं उसे बेहतर ढंग से हम समझने के लिए इनके बीच ही आ गए हैं। आप बताइए कि चुरू में लड़कियों के लिए स्कूल जाना, कॉलेज जाना कितना आसान है, यहाँ पर कितनी स्थितियां बदली हैं लड़कियों के लिए? मैम, ये तो आसान नहीं है इतना। गाँव की लड़कियां हैं जो कि 10th तक पढ़ के वहाँ पे ही सीमित है, आगे जा नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड एरिया है, उनको मतलब अलाउ नहीं है कि वो वोट करे या फिर एजुकेशन ले, हाई एजुकेशन ले। यहाँ तो इतनी दिक्कतें हैं कि 12th तक पढ़ ली, शादी कर दो, बस यही है और कुछ। और चुरू में तो हमारे इतना है भी नहीं कि कोई लड़की कोई हाई एजुकेशन ले। तो आप लोग पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, फिर बाहर जाएंगे? जाना पड़ता है, पर फैमिली के लिए जा नहीं पाते हैं। अभी बहुत चॉइसेस थी, साइंस सब्जेक्ट है और हम बाहर जाना चाहते थे, फिर नहीं जा पाए क्योंकि गाँव से, गांव में इतनी नहीं है कि बच्ची को पढ़ाया जाए या फिर बच्ची को कुछ और दिलाया जाए, ये सब नहीं है। आप बताइए, पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो लड़कियों को मौका मिलना चाहिए, खेल कूद हर तरह की चीजें, वो यहाँ पर कितने मौके हैं लड़कियों के लिए? सॉरी मैम, नहीं है। अच्छा, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि छेड़खानी बहुत ज्यादा है, इस वजह से लड़कियाँ घबराती हैं बाहर आने में? ये चीज नहीं है, बैकवर्ड है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा ट्रेडिशनल है बहुत ज्यादा। 12th तक तो सब अच्छा है, 12th के बाद ना वो अच्छा नहीं है। 12th के बाद अगर अपन चाहें कि अपन एयर होस्टेज में जाएं या फिर कुछ और हाई में जाएं तो वो नहीं है। बस उसके लिए अपन सीकर या जयपुर ये चूज करते हैं, पर वहाँ पे जा नहीं पाते हैं। किस लिए कि गांव से है, क्या करेगी, बच्ची है, कर दो शादी, बस यही है। बहुत अहम बात आपने बताई है कि लड़कियों को मौका नहीं मिलता। कुछ लोग पहली बार वोट करेंगे, आप पहली बार वोट कर रही हैं? कर रही हूं। वोट क्यों नहीं कर रही? मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं बना। क्यों नहीं बना? आपने अप्लाई किया था? नहीं, मेरे 18 साल की हुई नहीं, वोटर डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है मेरी। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है। हाँ। अच्छा, वोटर आईडी भी नहीं बनी हुई है? आपका भी नहीं बना वोटर आईडी? वोटर आईडी नहीं बनी हुई है। क्यों आप लोग गए नहीं ऑफिस में, इलेक्शन ऑफिस में जाकर कार्ड बनवाने के लिए? नहीं, अभी 29 तारीख को 18 एज होगी। किन मुद्दों पर आप लोग इस बार वोट करेंगे? माफ कीजिएगा, वोट नहीं कर रहे हैं, आगे अगर वोट करने का मौका आए तो क्या वो इश्यूज होंगे महिलाओं के जिस पर आप वोट करेंगे? महिला सुरक्षा, एजुकेशन के लिए और नौकरी के लिए।